भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 37 यानी 37। श्री भगवान उवाच, कामः एषः, क्रोधः एषः, रजोगुण सम उद्भवः, महा अशनः महा पापमा विधि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कामः विषय वासना एषः यः, क्रोधः क्रोध एषः यः, रजोगुण रजोगुण से सम उद्भवः उत्पन्न, महाअशनः सर्वभक्षी, महापापमा महान पापी, विधि जानो एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकाट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण की तरफ ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिद आनंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। और यही जिज्ञासा महत्वपूर्ण बात है, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माधिस्य यतो अन्वयादि तत्रस्तश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए,
या दूसरे शब्दों में कहें तो कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो। तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सके। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु राम के लिए कर्म किया, उनको ध्यान में रख के, उनकी सहायता के लिए या उनके लिए ही समर्पित होकर। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। प्रभु का सुमिरन समर्पण, प्रभु के लिए सुमिरन समर्पण एक दूसरे के लिए है। आप यदि प्रभु से लो लगाओगे तो प्रभु भी आपके साथ साथ रहेंगे। काम, हम बात कर रहे काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है। सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। अब ये दो सोच, दो थॉट इसमें आई, पर डिपेंड करता है कि जो साधक है वो किस सोच या थॉट पर चलने वाला है। थोड़ा गहरा इस पर विचार करना होगा। ध्यान से सोचें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है, किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है, उसको जीवित रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी ना पूरी होकर स्वतः ही मिट जाती है। जब जैसे लोमड़ी का उदाहरण, अंगूर खट्टे हैं कह के निकल गई क्योंकि वो जो उसकी कामना थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वो आगे बढ़ गई तो वहाँ उसका क्या हुआ, पूरी ना होने पर भी उसकी जो इच्छा थी, कामना थी, वो मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए है और सदा के लिए। बहुत गहराई से इस बात को समझना पड़ेगा। जिन साधकों को ये समझ ना आए इसको दो या तीन बार सुने। कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक, बहुत ही मार्मिक बात पर ध्यान दें। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना इतना कठिन ही है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? क्या जो हम इच्छा रखते हैं उसको पाना भी इतना आसान नहीं है? जब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई, हमारी तो बात ही क्या। भगवान के बाप यानी दशरथ जी, रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असंभव बात कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि कामनाओं में भेद क्या है, कामनाओं के प्रकार क्या है। नंबर एक,
शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दे। नंबर दो, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्यायुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। तीसरा, दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो न्यायुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरे की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। नंबर चार, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। महाशनो महापापमा, कोई बैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा बैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। विनय पत्रिका में तुलसी जी ने कहा है, बुझन काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घी ते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों ही त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशन कहा गया है। ऐसी कामनाओं में चार बातों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना। नंबर दो, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, ये शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना के वर्णन है। जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का मतलब किसी का भी अहित ना होता हो। इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र, जो हमने नंबर एक भेद बताया था कामना का, उसका वर्णन है। जिस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है, परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना है, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से फिर नई कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी जिसका कभी अंत नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, संसार में अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्यायुक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है। अतः ऐसी कामना को भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए, उन्हीं को अर्पण करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो अपने सामर्थ्य में ही नहीं, उसको हम कैसे कर सकते हैं? ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी हो जाती है। बहुत सरल उपाय काम को नष्ट करने का, कि कैसे हम ये जो भगवान ने हमें बताया है कि अर्जुन से जब बोले कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम जो बाद में क्रोध का रूप भी धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, कौन? काम। तो काम को नष्ट करने का सरल उपाय क्या है? दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे ही है ना, तो अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही है। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। परिशिष्ट भाव, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई आती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह बुराई रहित हो जाता है।
कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। ऐसा गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक जिसमें ये वर्णन है। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये तीन फल हैं। कोई भी आप कार्य करो, शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत काम से होता है। प्रारब्ध से यानी फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। यह पाप है, संबंध क्या है, यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का कारण क्या है, और इसका विवेचन भगवान श्री कृष्ण आगे के दो श्लोक में बताते हैं कि मतलब मनुष्य को पता है कि यह पाप है और उसके बावजूद भी वह आचरण नहीं कर पाता सही से, तो उसका वर्णन आगे के 38 और 39 नंबर श्लोक में भगवान ने किया है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, इट इज लस्ट, ओनली लस्ट अर्जुन, विच इज बोर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ एशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वार्थ एंड विच इज द ऑल डिवोरिंग डिवोरिंग सिनफुल यानी भक्षण एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड परपॉन व्हेन ए लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल क्रिएशन हिज एटर्नल लव फॉर कृष्णा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन और इन अदर वर्ड्स द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट एज मिल्क इन कॉन्टेक्ट विद सॉल टैमरिंड यानी इमली इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योगर्ट दही में कन्वर्ट हो जाती है। देन अगेन व्हेन लस्ट, अब लस्ट क्या, लस्ट मींस हवस, व्हेन लस्ट इज अनसेटिस्फाइड इट ट्रांस इनटू वार्थ, वार्थ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इल्यूजन एंड इल्यूजन कंटिन्यूस the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy. Lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Worth is the manifestation. Worth is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as far and other glorious. Glorious yani result, yani parinam. If therefore the mode of passion and system of being degraded into the mode of ignorance is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of birth by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual places, and the living entities
आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्लेन्स. दे आल्सो हैव पार्शियल इंडिपेंडेंस बट बाय मिसयूज ऑफ देयर इंडिपेंडेंस. When the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of Vedanta Sutras, wherein it is said. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. वन शुड इंक्वायर इनटू द सुप्रीम. एंड द सुप्रीम इज डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम एस जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तदश्च. The origins of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore, lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and worth can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his worth by burning the golden city of Ravana, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his worth upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and worth, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. श्रीमद् भागवत गीता.